ये तो ना भाई बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है यार, है ना। ओहो भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। और आप जरा ग्रेवी देखो और मसाले देखो, क्या ही बढ़िया लग रहे हैं। स्वागत है जी आप सबका चढ़ोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो भाई में। आज हम बनाने वाले फैमिली बुफे की वीडियो, और ये खाना आया जी सिमरंडा ढाबा और से। ये हम लेकर आए हैं जी कालका जी से। इस जगह के बारे में ना हमें किसी ने बताया था, बाकी फूड हम वहां से ले आए हैं। जो जो लेकर आए जी आपको उसकी लुक दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर बाकी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर और देना। चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख होने में ना हार्डली 500 के करीब रह गए 500 हैं। के करीब रह गए। और इस वीडियो के बाद भाई जाना सुमित चोपड़ा व्लॉग में। आज की जो वीडियो है ना उसमें मैंने कुछ कमाल की चीज दिखाई है, देखना भाई आपको मजा आ जाएगा। और अब जो है ना वीडियो ये वाली जी स्टार्ट करते हैं। तो जी एक एक करके जो है ना जी ओपन करना शुरू करते हैं इनको, पैकेटों को, और आपको दिखाते हैं इसमें हमने आपके कुछ लिए दिखाने स्टार्टर के। भी लिए हैं। हाँ जी कुछ स्टार्टर, क्या कुछ अच्छे स्टार्टर लिए हैं, बाकी आपको दिखाते हैं जी किस तरीके से आपको वो लगते हैं। ये आप कमेंट हमें करके बताना। अरे यार एक ये डब्बी थोड़ी सी खुल गई, खुल एक गई, शुक्र है कि सीधी है। सीधी है, गिरा नहीं माल, है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं है, बाकी ना थोड़ा सा वो स्कूटी में लाने में भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है। और ये चीज़ ना पंकज हमें आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, स्विगी जोमेटो वाले भी तो स्कूटी बाइक में लेकर आते हैं। टेप नहीं लगी ना। हाँ टेप नहीं लगी। अच्छा ये है, ओके ये जी, मलाई चाप। मलाई चाप भाई, रंगत देख लो और यार। साथ साथ में जी हमारे पास और भी पैकेट हैं, उनको भी देख लेते हैं, फटाफट खोलता हूँ जी। ये है जी, ओए होए होए होए, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का भी, पीसेस काफी सही लग रहे हैं। है थोड़ा सा ना। ये ऊपर जला हुआ सा हो गया वो है। तो तंदूर में हो जाता है, ठीक हाँ है। बाकी वो पनीर के पीसेस देखो यार, क्या बढ़िया से जो है ना तंदूर के अंदर वो रोस्ट हुए हैं, वो चीज़ जो है ना बहुत कमाल की लग रही बाकी है। अनियन कैप्सिकम टमाटो वगैरह भी अच्छी क्वांटिटी में डला हुआ है। बिल्कुल बढ़िया जी, पनीर के पीसेस भी जो है चार ना, पीस पनीर के दिख रहे हैं। 4 या 5 होंगे आराम से। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये दो चीज़ें हो गई। साथ में जी ये एक और हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं ये है जी मसाला चाप। भाई, ये देखो आप क्या ही बढ़िया लग रही है ना पनीर, मतलब चाप के जो है ना छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। बाकी इसमें साथ में नींबू भी दे दिएगा अगर आपको और थोड़ा सा टैंगी करना है तो। हाँ थोड़ा और टैंगी करना है तो। चलो जी 3 चीजें हो गई, और तीनों में से ना भाई मैं सही बताऊं ये जो है ना, मलाई चाप सबसे अच्छी लग रही हाँ है। लुक वाइज तो भाई बहुत ही कमाल की लग रही है। बाकी ये एक और है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा ये मेन कोर्स के आगे जी हमारी मिक्स वेज, बढ़िया भाई। ये तो ना कुछ इस अलग स्टाइल की लग रही है अलग भाई। स्टाइल की लग रही है भाई, गोभी के पीस देखो यार सही है भाई। भाई, खड़े खड़े जो है ना हाँ गोभी, शिमला मिर्च, सारे सारे बीन्स, मतलब थोड़े बड़े बड़े पीसेस टाइप की बड़े है। बड़े पीसेस टाइप की है, पनीर के पीस काफी अच्छे लग रहा है। ये क्या डला हुआ है भाई? अनियन है, बाकी आई थिंक ये आलू है, और आलू भी ना फ्राई किया हुआ गोभी मेरे को फ्राई वाली लग रही है है। ना, बढ़िया लग रही है भाई। ये देखो यार आप, गोभी का पीस दिखाता हूँ मैं आपको मेन, तो ना गोभी का पीस देख के भाई दिल खुश हो गया यार, है ना। बाकी पनीर वगैरह सही डला हुआ है, ऊपर क्रीम से भी गार्निश वगैरह क्वांटिटी करा भी था। अच्छी लग रही है, आई थिंक ये 500 ml है, ठीक हाँ है बढ़िया जी। और हम इसमें इनकी एक फुल क्वांटिटी भी है वो भी लेकर आए, वो भी आपको दिखाएंगे। ये है जी हमारी दाल मखनी, मखनी, अब ऊपर मक्खन देख लो जी क्या मक्खन ही, क्रीम तो है बढ़िया ना, डला हुआ बहुत है। बढ़िया डला हुआ है एकदम। और दाल देखना जरा, ये तो जब वो डाल रहे थे ना पंकज, मैंने तभी देख लिया था कि भाई दाल जो है ना काफी अच्छी लग रही है। काफी अच्छी लग रही है जी, बहुत बढ़िया। क्रीम श्रीम काफी अच्छी डली हुई है। ये भी हमने इनकी हाफ क्वांटिटी ली है, ये दो चीजें, ठीक है। मिक्स वेज भी हमारी हाफ है जी, और और दाल मखनी भी हाफ है। आपको इनका इंडिविजुअल प्राइस भी बता देंगे, और जो हमने टोटल अमाउंट जो पे किया है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं। बाकी आगे दिखाते हैं और हम क्या क्या लेकर बाकी आए जी हैं। दो दो क्वांटिटी ना हम आपको फुल दिखाने के लिए लेकर आए हैं, और ये है जी 750 ml, एक एक करके जो है ना आपको जरा, ओए होए 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 भाई, एक तो लबालब भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक। भाई, ऊपर तक भर कर दिया है। ये देखो जी, अब ये क्या है, ये तो जरा जो है ना, मेरे को ये लग रही है तवा चाप। हाँ मुझे भी ये लग रहा है भाई, तवा चाप ही, हाँ चाप ही है भाई, ये देख लो। और चाप के पीस देखो और यार, साबुत साबुत पीस है हाँ बहुत इनमें, बढ़िया। नहीं कट नहीं है कट कट मार के है। ना हाँ पीसेस डाल के, और उसको जो, ये भी भाई चाप जो है ना जी हमारी वो है, क्या कहते हैं, रोस्ट की हुई रोस्ट है, करी हुई। और यार देखो क्या ही नरम है ना चाप, क्या ब्रेक लच्छे हो रही उसके है। ब्रेक हो रहे हैं, बहुत बढ़िया जी।
और यार इसमें से खुशबू काफी अच्छी कमाल की आ रही ये हुई, क्या मिर्च डली हुई? ओ लाल भाई मिर्च। साहब लाल मिर्च का तड़का वड़का मार रखा है यार भाई, ये पलट ले क्या किसी में? बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है पलट इसकी। लेते, दूसरा भी दिखा दे, एक एक और साथ दिखा पलट दूं? लेते हाँ हैं। एक मिनट रुको भाई, ये है हमारा, ये क्या था मैं भूल गया इसका ये नाम, था हमारा पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला। और प्राइस सुनोगे ना भाई, बहुत सही है। बहुत रीजनेबल प्राइस है, बस टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। अगर टेस्ट बढ़िया हुआ, ऊपर कसूरी मेथी वगैरह डली हुई हाँ है, ऊपर गार्निश हो रखा क्रीम है। वगैरह बटर काफी अच्छा डाल रखा है जी। और यार एक देखो ग्रेवी बता देती है रंगत ही कि बढ़िया क्या ही है। चीज होने वाली है। आज का खाना वाकई में बहुत अच्छा है जी। और पनीर के पीसेस, ये देखो तेज तेज पत्ता पत्ता, वगैरह चीजें डली हुई हैं। और ये देखो भाई पनीर के पीस, पनीर का पीस भी पंकज सही साइज सही है है, ना, छोटा छोटा नहीं है। काफी सारे हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार इसको ना प्लेटों में डाल ही लें क्या आज? दोनों को डाल देते हैं। चलो लो ठीक जी, है, दो जो है ना जी बड़े बड़े कटोरियां ले लिए जी, जिसके अंदर जो है ना अब इसको पलट के देखते हैं। आप जरा ग्रेवी देखो और मसाले देखो, क्या ही बढ़िया लग रहे हैं, ये तो काफी मेरे को लग रहा है अच्छे काफी ना, वो जैसे चटपटे टाइप का खाना होता है ना। भाई पनीर, काफी अच्छे। कम से कम 8-9 पीस तो पनीर के है ही एक है बाउल भर ना, गया। आराम से पूरा एक बाउल भर गया भाई। और अब दिखाता हूँ मैं आपको जो हमारी चाप वाली जो सब्जी आई ये है है जी भाई, तवा चाप। तवा चाप। और ये तो ना भाई बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है यार, है ना? ओहो भाई साहब बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। और यार कितनी लाल मिर्ची वगैरह डाल रखी हैं, मुझे लग रहा मसाले वसाले ना तीखे होंगे, है ना? चलो जी ठीक है, जैसा भी होगा आपको बताएंगे जी। बाकी आप अब जरा इसकी रंगत देख लो जी फूड की। और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बढ़िया हाँ सारों में से क्या चीज अब लगी। आपको दिखाते हैं रोटियां, हमने जो हम लेकर आए हैं उनमें हम क्या क्या चीजें लेकर आए हैं जी। इसमें भी हम जो है ना आपको दिखाने के लिए तीन ऑप्शंस लाए तीन हैं। ऑप्शन लेकर आए हैं। ये तो आई थिंक रोटी होगी, ये कुछ सलाद वगैरह आई है, साथ में चटनी आई है जी। और ये तीन पैकेट है हमारे, हमने नान भी लिया है, लच्छा पराठा भी लिया है, और तंदूरी रोटी भी ली तंदूरी है। रोटी भी ली है। तो जो जो निकलेगा जी आपको फटाफट जो है ना जी वो दिखाते हैं। ये आया जी हमारा लच्छा लच्छा पराठा, पराठा। वाकई में यार पराठा पंकज बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है ये, देखो भाई अच्छी आप, खासी लेयरिंग है ना, है। अच्छी खासी लेयरिंग है। और बैक साइड देखो भाई बहुत बढ़िया से सेका हुआ है। तो ये तो हो गए जी हमारे चार चार लच्छा लच्छा पराठा। पराठा। अब आ जाओ जी, हमने दो मेरे ख्याल से बटर नान भी लिए थे, ये बटर नान हो ये गए। बटर नान ही होगा यार। खुल जा भाई, क्या ही पैकिंग कर रखी है, खुल जा सिम सिम। ठीक है जी, ये है जी हमारे लच्छा वो सॉरी बटर नान, बटर नान, में बार बार लच्छा पराठे बोल रहा हूँ। बटर और भी बटर काफी सही लगा हुआ सही है। लगा रखा है जी। और अब आपको दिखाते हैं ये है जी बटर तंदूरी रोटी। बटर तंदूरी रोटी जी, ये देखते हैं भाई, क्योंकि मेन जो है ना अगर आप ढाबे से लेकर आओ तो भाई सारे के सारे ये तंदूरी रोटी के साथ ही खाना जो है ना पसंद करते पसंद हैं। करते हैं भाई। ये इनकी रोटी है जी, बहुत बढ़िया और साइज अच्छा साइज अच्छा है ना? आप देखो क्या ही बढ़िया बनी हुई है जी। तो ये सारा आज का जी हमारा लंच, मेरे ख्याल से हमारे पूरे परिवार को बहुत आराम से जो है ना जी पूरा हो जाएगा। बड़े आराम से होगा। और आपको इसमें से क्या चीज कमाल की लग रही है बताना। मैं सही बताऊं, मैं ये क्वांटिटी देख के ना भाई सरप्राइज हूं। अमाउंट जब मैं आपको बताऊंगा ना आप खुश हो जाओगे। ये फुल है जी 750 ml हाँ, और ये 500 ml है। दाल मखनी हमने 500 ml ली है और मिक्स वेज भी हमने 500 ml ली है। हाफ और फुल का इनका वो है जी पोर्शन साइज। अब टेस्ट, अरे जी फूड टेस्ट करने की आपको फटाफट प्राइस बता देता हूँ। मलाई चाप है जी 100 रुपए का, मसाला चाप है जी 90 रुपए, और पनीर टिक्का है जी 120 रुपए। और सिंगल क्वांटिटी है, मतलब ये नहीं कि हाफ डबल वगैरह का कोई हिसाब किताब हो। टेस्ट करते हैं तीनों को और बताते हैं कि आपको हमें इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या लगा। करें शुरू? चल भाई साहब, पहले ना मैंने सोचा था कि तीनों खाएंगे, लेकिन यार ये दोनों चाप जो खाई है ना बहुत कमाल की है। बहुत कमाल की, मजा आ गया।
तेरे को बेस्ट कौन सी लगी, कंफ्यूज हो जाएगा। दोनों में से मेरे को मलाई चाप ज्यादा अच्छी लगी है, वैसे कमी उसके अंदर भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। भी नहीं है जी। मसाला चाप में जो उन्होंने नींबू दिया है ना साथ में, अभी तो हमने वो डाला नहीं है। उसके अलावा भी टैंगी है, क्योंकि सॉस के साथ भी खाने में ना काफी मजा आ रहा है, बढ़िया मजा यार भाई, मजा आ गया। मलाई चाप तो मैं ऐसे करो जैसे मक्खन होना, बहुत मजेदार। फुल्ली क्रीम वगैरह बढ़िया डली हुई है। अब लास्ट है जी स्टार्टर में पनीर टिक्का, ट्राई करते हैं। चलो जी, देखो जी इसमें ना इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत लाइट में। अब या तो ये हो सकता है कि वो मसाला चाप जो हमने खाया ना थोड़ा सा चटपटा खाया है, हाँ इसमें ना फ्लेवर बहुत लाइट लग रहे थे, वो कैसा लगा? चटनी के साथ बैठे लगा है, वैसे बिना चटनी के जब खाया था ना तब इतना अच्छा नहीं लगा था। बिल्कुल, ये ना इसके अंदर लाइट फ्लेवर है, ये इम्प्रूव कर ले तो भाई मजा आ जाएगा। बाकी पनीर काफी अच्छा सॉफ्ट है, बढ़िया क्वालिटी का यूज कर रखा है पनीर, बहुत अच्छा है वाकई में ही, बहुत ज़्यादा अच्छा है जी। चाप तो मैं कह रहा हूँ आपका दिल जीत लेगी, 100 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए। अब आ जाते हैं जी मेन कोर्स में, और सबसे पहले ना लच्छा परौठा ले, या चल आज सबसे पहले एक बाइट जो है जी नान के साथ ट्राई करते हैं। और कहाँ से ट्राई करें? दाल मखनी से ही शुरू करते हैं, जहाँ से हम करते हैं हमेशा। चलो जी दाल मखनी से जी पहली बाइट, दो चीजें टेस्ट कर लेते हैं, दाल मखनी और मिक्स वेज, दोनों का बताएंगे ठीक है। चलो जी क्या बेस्ट लगा पंकज दोनों में से भाई, ये बता जरा। मैं थोड़ी सी और ट्राई करके देख रहा हूँ, बाकी दाल बहुत कमाल की थी भाई। मुझे तो दाल और ये जो है ना आलू जो है ना वो करा हुआ है, फ्राई वाला है भाई। मिक्स वेज ना मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट टेस्ट है, अल्टीमेट यार है ना। आलू फ्राई किया, गोभी फ्राई कर रखे, तो फ्राई वाला का टेस्ट वैसे ही बढ़िया हो जाता और है। दाल तो अपनी जगह पे है भाई, दाल मखनी जिस तरीके की होती है, बटर वगैरह का फ्लेवर काफी अच्छा रहा है। लेकिन दोनों में से अगर कहूँ मिक्स वेज भाई मजा आ गया मेरे को, दाल मखनी भी कमाल की लगी, ये भी दोनों बढ़िया है। बाकी आपके प्रेफरेंस है कि आपको क्या चाहिए। भाई दाल मखनी 100 रुपए है और मिक्स वेज 50, वो भी 100 रुपए है। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, अब इंडिविजुअल दाल खाइए ना, वाकई में बहुत बटरी है, कमाल की बटरी है, काफी अच्छा क्रीमी टेस्ट आ रहा है, बटर वगैरह खुला डला हुआ है, दोनों ही कमाल के है भाई। मैं तो अब कंफ्यूज हो गया हूँ सही बताऊं। और जो लच्छा परौठा यार एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। अभी तक ना सारा खाना अच्छा निकला है, सिवाय ये जो है ना एक पनीर टिक्का नहीं भाई इतना बढ़िया लगा, बाकी सब कुछ जो है ना बहुत कमाल का लगा। अब ट्राई करते हैं पनीर बटर मसाला और चाप। पहले तो भाई चाप करते हैं यार, चाप के पीसेस देखो क्या ही बढ़िया बढ़िया से है ना। एक थोड़ा सा यहाँ रख के ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत नरम है यार चाप, बढ़िया एकदम बढ़िया। और क्या लच्छेदार है ना, ये ले इसी में से ले ले तू भी। थोड़ा सा लगाता हूँ जी इसके ऊपर मसाला, और इसको टेस्ट करते हैं जी, और आपको बताते हैं चाप का टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया, कमाल की तवा चाप है ये हमने ली, मजेदार चटपटी है, ग्रेवी बड़ी कमाल की बनी हुई है। मैंने ना इंडिविजुअल हल्का सा जैसे जब डालते वक्त में ना हाथ में मसाला लग गया था, तो ऐसा लग रहा था तीखे मसाले हैं, रोटी वगैरह साथ कोई तीखापन नहीं लग रहा भाई साहब, खड़े मसाले यूज कर रखे हैं क्या उसके अंदर, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च का जो फ्लेवर आ रहा है अल्टीमेट यार। जिसको तीखे मसाले पसंद है ना वो तो रूखी खा ले, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही खा जाएगा है ना। तूने पूरा पीस ले लिया वो वाला? हाँ वो वाला मैं पूरा खा लिया, बड़ी कमाल की भाई, बहुत कमाल की है जी, मजा आ गया। अब जो है ना एक बाइट लेते हैं ये पनीर बटर मसाला के साथ जी, दूरी रोटी के साथ जो है ना जी, अब एक बाइट लेते हैं पनीर बटर मसाला। और रोटी देख लो यार क्या ही नरम है ना, एक पनीर का पीस थोड़ा सा जरा ब्रेक करते हैं जी, ये लगाया पनीर, थोड़ी सी लगाते हैं जी इसके ऊपर ग्रेवी, और टेस्ट करके बताते हैं जी इसका स्वाद कैसा। आ जाओ मसाले की जो ग्रेवी बनी ना बहुत कमाल की है, हल्का सा मेरे को नमक तेज लगा है, मगर स्वाद जो है ना बहुत कमाल का है भाई।
अल्टीमेट टेस्ट है, मैं सही बता रहा हूँ। इन दोनों में से ना चाप तो भाई साहब मैं कहूँ अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल। और इसका जो मैं आपको प्राइस बता दूं जी, इसका प्राइस है 200 रुपए फुल प्लेट का, 750 ml, और ये है जी फुल प्लेट 150 रुपए की, 150 रुपए की, ठीक है। टोटल हमने पे की 1036 रुपए। एक चीज और, स्विगी में हमने देखा था थोड़ा सा प्राइस का फर्क है, और क्वांटिटी का भी फर्क है। क्वांटिटी का भी फर्क है, ये जो हम प्राइस बता रहे हैं हमने टेक अवे जो किया वहां से उसका प्राइस बता रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये कुछ इस तरीके से जी आपका टेक अवे में आएगा। बाकी तो आजकल वो पोर्टर शोटर चलते हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आज का काफी कमाल का लगा। आई थिंक 1036 रुपए में ना ये बहुत इनफ है खाना। अच्छा, आराम से 4-5 जने बड़े आराम से खा। रोटियों का प्राइस नहीं बताया, जो हमारी तवा सॉरी तंदूरी रोटी जो आई है बटर वाली वो 12 रुपए की है, लच्छा पराठा 30 रुपए, और नान भी जो है ना जी वो 30 रुपए। आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जो है ना जरूर बताना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।